वर्ल्ड टाइम दिया हुआ है अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग टाइमिंग। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग अलग अलग जगह पे अपना वेट चेक कर सकते हो, सन पे, जुपिटर पे, मार्स पे। नाउ लेट्स चेक जुपिटर में कितना वेट है मेरा, 193 kg। ओ माय गॉड। इवन आर्टिफिशियल स्पेस सूट भी दिया गया है जहाँ पे आप जाके फोटोग्राफी कर सकते हो। चलते हम लोग स्काई थिएटर में। अमेजिंग थिएटर है। हम उसमें स्वेच्छा से शामिल हुए हैं। बड़ी अजीब बात है कि इस विश्व ने हमें हिस्सेदार बनाया है। यहाँ पे जरूर विजिट कीजिए, पैसा वसूल है 150 रुपए में, लिटरली एकदम पैसा वसूल। ओके, सो नए सफर की शुरुआत हो चुकी है और आज मैं जा रहा हूँ नेहरू प्लानिटेरियम। तो फ्रेंड्स कंफ्यूज मत होना, पिछला वाला वीडियो था नेहरू साइंस सेंटर का, ये वाला है नेहरू प्लानिटेरियम का। तो पूरी डिटेल मिलेगी, ट्रैवल कॉस्ट से लेके सब कुछ, टाइमिंग वगैरह सब बता दूंगा। वीडियो को एंड तक देखना, एंजॉय करना वीडियो को, और साथ ही साथ आपकी फैमिली के साथ संडे को विजिट करना, सैटरडे या जब भी आपको टाइम मिले। मैं पोस्ट कर दूंगा कि ये कब कब खुला रहता है या कब कब बंद रहता है या क्या सीन है, सब कुछ सिनेरियो आप लोगों को बताऊंगा, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना और ज़रूर विजिट करना यहाँ पे। सो फ्रेंड्स मैंने बोरोली से ट्रेन पकड़ी महालक्ष्मी के लिए और रिटर्न टिकट का कॉस्ट हुआ ओनली 30 रुपीस। तो उतर चुके महालक्ष्मी स्टेशन और अभी यहाँ से हम लोग जाने वाले नेहरू प्लानिटेरियम। लास्ट टाइम मैं लोअर परेल उतरा था बट तभी मुझे भूख लगी थी इसके लिए, लेकिन अब मुझे भूख नहीं लगी है तो मैं महालक्ष्मी स्टेशन उतरा हूँ। डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर, अगर आपको लोअर परेल उतरना है तो आप लोअर परेल उतर सकते हो, अगर आप लोगों को महालक्ष्मी उतरना है तो आप लोग महालक्ष्मी उतर सकते हो, क्योंकि नेहरू प्लानिटेरियम जो है वो नेहरू साइंस सेंटर के पास में ही, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी यहाँ से टैक्सी पकड़ेंगे जैसे लास्ट टाइम पकड़ा था। टिकट की कॉस्ट हुई 30 रुपये रिटर्न टिकट, एक्चुअली मैंने चर्चगेट की रिटर्न टिकट निकाली तो टिकट कॉस्ट हुआ 30 रुपीज़। और अभी टैक्सी का कॉस्ट आप लोगों को बताता हूँ। तो ये है महालक्ष्मी स्टेशन और यहाँ से आप लोग वॉक करके आओगे ना तो आगे से टैक्सी पकड़ लेना, नहीं तो स्टेशन के सामने से भी आप पकड़ सकते हो। बट पीछे देखो, फेमस धोबी घाट ऑफ मुंबई, ये बहुत ही फेमस है, बहुत सारी मूवीज़ की शूटिंग भी हुई है यहाँ पे, जैसे कि डॉन और भी अलग अलग मूवीज़ की शूटिंग हुई है। अभी यहाँ पे थोड़ा सा देख लेंगे फिर टैक्सी पकड़ के निकलते हैं नेहरू प्लानिटेरियम के लिए। सो फ्रेंड्स ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा बट इतना ज़रूर बताऊँगा कि ये प्लेस की शुरुआत 50 धोबियों ने मिलकर की थी 1890 में जब ब्रिटिश रूल था। आज भी थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस हुए हैं बट द प्लेस हैज स्टिल मेंटेन्ड इट्स ओल्ड लुक एंड वे ऑफ वर्किंग। तो उस तरफ हम लोगों ने धोबी घाट देखा और यहाँ पे अभी महालक्ष्मी स्टेशन है और इस साइड से हम लोगों को मिलेगी टैक्सी और टैक्सी पकड़ के हम लोग जाएंगे सीधा नेहरू प्लानिटेरियम। सो अब टैक्सी पकड़ ली हम लोगों ने उस साइड आके, धोबी घाट के साइड से टैक्सी मत पकड़ना क्योंकि वहाँ से टैक्सी मिलेगी नहीं, तो रोड क्रॉस करके जैसे मैंने बताया वहाँ से टैक्सी पकड़ना। इवन टैक्सी से जाते वक्त आपको बिल्डिंग दिख जाएगी नेहरू प्लानिटेरियम की। तो पहुँच चुके हैं टैक्सी लेके और 54 रुपीज़ हुआ है। तो शेयरिंग टैक्सी मत लेना, हम लोगों ने प्राइवेट टैक्सी की है क्योंकि शेयरिंग टैक्सी आपको पर पर्सन 20 रुपीज़ बोलेगा और हम लोग चार लोग हैं तो फिर चार लोगों का हो जाता है 80 रुपये, तो सेम टैक्सी सेम आदमी 80 रुपये क्यों दूँ मैं, तो प्राइवेट टैक्सी कर लीजिएगा तो आपको पड़ जाएगा 54 रुपीज़ पूरे टैक्सी का। तो अभी जा रहे हम लोग अंदर टिकट निकालने के लिए। सो नेहरू प्लानिटेरियम में जो अमेजिंग शो होता है उसको बिल्कुल मिस मत करना और अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग टाइमिंग में वो शो दिखाया जाता है। तो 12 बजे हिंदी का शो है, 1:30 बजे मराठी का शो है, 3 बजे इंग्लिश का शो है और लास्ट वाला शो है 4:30 बजे का फिर से हिंदी में। तो आप लोग टाइमिंग के हिसाब से आपका कोई भी शो सिलेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पे टिकट काउंटर। सो फ्रेंड्स अभी पहुँच चुके हम लोग नेहरू प्लानिटेरियम और ये जो बिल्डिंग है यहाँ पे ना म्यूजियम है फर्स्ट फ्लोर पे, वो फ्री है फ्री ऑफ कॉस्ट। और अभी जो हम लोग टिकट निकाल रहे हैं वो 150 रुपीज़ की है पर पर्सन और वो यहाँ पे है इस साइड। ये बिल्डिंग जो है यहाँ पे हम लोग शो देखने वाले हैं, लेकिन शो है 12 बजे का और अभी 11 बज रहे हैं तो 1 घंटा हम लोग के पास है टिकट निकालने के बाद, फ्री टाइम है 1 घंटे का, तब हम लोग ये म्यूजियम में जाने वाले हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो म्यूजियम घूम लेंगे और 12 बजे यहाँ पे आएंगे शो देखने के लिए। तो शो के टाइमिंग्स तो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ और रेट भी अभी बता दिया मैंने कि 150 रुपये पर पर्सन का और म्यूजियम तो फ्री है। तो चलिए अब एक्सप्लोर करते हैं नेहरू प्लानिटेरियम। तो टिकट ले ली है और 150 रुपये की एक टिकट पड़ी है, टोटल कॉस्ट हुआ चार लोगों का 600 रुपया, तो पर पर्सन टिकट का कॉस्ट है 150 रुपीज़। और टिकट के साथ आपको ये पैम्पलेट जैसा मिलेगा जिसके पीछे लिखा हुआ है सब शोज़ के टाइमिंग एज वेल एज बुकिंग आवर्स, टिकट का रेट, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, स्काई थिएटर कैपेसिटी कितना है और सबसे मेन स्काई ऑब्जर्वेशन जो सिर्फ संडे को होता है लेकिन मॉनसून में नहीं होता, तो ये एक्चुअली फ्री ऑफ कॉस्ट है तो आप लोग आराम से स्काई ऑब्जर्वेशन कर सकते हो यहाँ आके, बहुत ही अनोखा होता है वो मैंने सुना है।
जब मानसून का सीजन चला जाएगा तो फिर मैं यहाँ पे आके एक और वीडियो बनाऊंगा और तब आप लोगों को ये वाला सीन भी दिखाऊंगा। तो टिकट निकालते निकालते हो चुके 11:15 और द सीन इज़ कि 11 बजे जैसे मैंने बोला काउंटर खुलता 11:15 तक हम लोगों ने टिकट निकाली। तो अब उस बिल्डिंग में जाते जाते बहुत टाइम लग जाएगा, सो बेटर है हम लोग यहाँ पे थोड़ी देर वेट करते हैं और ये शो पहला देख लेते और उसके बाद हम लोग जाएंगे म्यूज़ियम देखने के लिए। तो हम लोग का जो शो है 12 बजे का, तो 11:45 से एंट्री शुरू हो जाती है, तो इट्स बेटर कि हम लोग यहीं पे थोड़ी देर वेट करते एंड देन वी विल अटेंड दैट शो। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे लोग विजिट करते हैं एज अ वन डे पिकनिक और इन्हें देख के तो मुझे भी मेरे स्कूल के दिनों की याद आ गई, क्योंकि बचपन में यहाँ पे मैं एक बार आया था। नेहरू प्लानिटेरियम का इनॉग्रेशन हुआ था 3 मार्च 1997 में और इनॉग्रेशन किया गया था इंदिरा गांधी जी के द्वारा, जो हमारी प्राइम मिनिस्टर थी उस वक्त। इस प्लेस की एंट्री फीस और शो टाइमिंग्स मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ वीडियो के स्टार्ट में। 11:41 हो रहे और एंट्री शुरू हो चुकी है, तो 12 बजे के शो के लिए पहली एडवांस में एंट्री हो जाती है, तो लेट मत करना टाइम पे आना। तो चलिए अब चलते हम लोग अंदर। शो शुरू होने से पहले आप लोग ये सारी प्लेसेस जरूर विजिट करना जो कि बहुत ही अमेजिंग है। सबसे पहले ही मैं देख रहा हूँ यहाँ पे वर्ल्ड टाइम दिया हुआ है, अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग टाइमिंग्स। अब जैसे इंडिया में हो रहे 11:42, साउथ अफ्रीका में 8:12, सिंगापुर में 2:02, जापान में 3:12 और यहाँ पे सारे टाइमिंग्स दिए हुए हैं, आप लोग आके चेक कर सकते हो। सेकंड चीज़ अमेजिंग वाली ये जो कि है मार्स पनोरामा। मार्स पे ऐसा व्यू दिखता है, ऐसा लग रहा है रियल में मार्स में हम लोग। वाओ, और एक बेहतरीन और अमेजिंग चीज़, नो योर वेट ऑन सन मून एंड प्लैनेट्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग अलग अलग जगह पे अपना वेट चेक कर सकते हो, जैसे अर्थ पे, सन पे, जुपिटर पे, मार्स पे और मून पे। ये वाले सेक्शन पे आप लोग सबसे पहले आ जाना, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारी भीड़ होती है और फिर लाइन लगानी पड़ती है। सबसे पहले आप अर्थ पे वेट अपना चेक करना, उसके बाद ये वेट आपका जो हर प्लैनेट पे होगा उससे कंपेयर करना। ये अर्थ में मेरा वेट है, अब देखते हैं बाकी जगह पर। अब सन पे देखते हैं मेरा वेट कितना है। यहाँ पे मैं खड़ा हो गया 2100 किलो के आसपास ऑलमोस्ट। नाउ लेट्स चेक जुपिटर में कितना वेट है मेरा, 193 kg। ओ माय गॉड। अब मार्स पे चेक करते हैं कि मेरा वेट कितना है। 30 किलो के आसपास, सही है, वजन कम करने के लिए मार्स पे जाइए। अब मून पे चेक करते हैं कि मेरा वेट कितना है। ओ नो, मार्स से भी कम। मून पे मेरा वेट तो मार्स से भी कम है यार, सिर्फ 12.5 किलो के आसपास। वाओ। और फ्रेंड्स ये है मून पनोरामा, जो मून पे जैसा स्ट्रक्चर है ये वैसा का वैसा यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है। आपको थोड़ी सी जानकारी देते हैं यहाँ पर जो एग्जिबिट्स लगे हैं उनके बारे में, खास करके बच्चों के पसंदीदा विषय हमारे सौर मंडल के बारे में। यह जानकारी 10 से 12 मिनट की होगी, जिसके बाद हम सभी So friends, ये वाला सेशन 10 से 12 मिनट का होता है और वो बहुत ही नॉलेजेबल होता है। वो अटेंड करने के बाद आप लोग स्काई थिएटर में जा सकते हो शो देखने के लिए। और स्काई थिएटर में जाने से पहले आप लोग यहाँ के एग्जीबिशन के सारी चीजें देख लेना, जैसे कि आर्टिफिशियल मून और इवन ये सोलर सिस्टम, जहाँ पे आपको बहुत सारे प्लैनेट्स दिखेंगे और इवन घूमते हुए दिखेंगे और पूरा का पूरा सोलर सिस्टम का स्ट्रक्चर बनाया गया है ऊपर। आप लोगों को बहुत ही मजा आएगा। ये प्लेस पे आप लोग बहुत सारी अच्छी अच्छी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी कर सकते हो। और जो वेट कैलकुलेट करने का जो सिस्टम है अलग अलग प्लैनेट्स पे, उस पे ऐसा है कि अगर अर्थ पे 1 है तो सन पे होगा 1 × 27.9, जुपिटर पे होगा 1 × 2.54 और मार्स पे होगा 1 × 0.38 और मून पे होगा 1/6 ऑफ योर वेट ऑन अर्थ। अभी सब घूमने के बाद हम लोग स्काई थिएटर में जा रहे हैं, क्योंकि उसके बाद आपको यहाँ पे आने नहीं मिलेगा, डायरेक्टली आप लोग अंदर से बाहर साइड से एग्जिट करोगे। यहाँ पे भी आपको मून पनोरामा मिलेगा, जहाँ पे आप बहुत सारी अच्छी अच्छी फोटोज खींच सकते हो। यहाँ से पूरे ब्रह्मांड की शुरुआत हुई थी। और यहाँ पे डिस्टेंस भी दिया गया है कि अर्थ से कितने किलोमीटर की दूरी पे है ये सारे प्लैनेट्स। यहाँ पे बहुत सारे सैटेलाइट्स के स्ट्रक्चर भी दिए गए हैं, जहाँ पे आप खड़े रह के फोटो भी खींच सकते हो। और इवन आर्टिफिशियल स्पेस सूट भी दिया गया है, जहाँ पे आप जाके फोटोग्राफी कर सकते हो। तो अभी चलते हम लोग स्काई थिएटर में। स्काई थिएटर, वाह,
लोग देख सकते हो, बहुत ही अमेजिंग थिएटर है। तो फ्रेंड्स आ चुके हैं स्काई थिएटर के अंदर और बहुत मज़ा आ रहा है, आप लोग देख सकते हो। अभी शो शुरू होने वाला है और हम लोग बहुत धमाल करने वाले हैं। का मानना था कि चांद एकदम सपाट है, पर गैलीलियो के दूरबीन ने स्पष्ट रूप से दिखा दिया कि उसकी सतह पृथ्वी की सतह जैसी है, यानी कि विश्व हमारे बिना अस्तित्व में जो भी हमारे सामने प्रतीत हो रहा है हम उसमें स्वेच्छा से शामिल हुए हैं। बड़ी अजीब बात है कि इस विश्व ने हमें हिस्सेदार बनाया है। आने वाली सदियों में पृथ्वी का ऋतुमान काफी मात्रा में बदलने की संभावना है। तो फ्रेंड्स पूरा शो तो मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, लेकिन हाँ ये शो पैसा वसूल है और यहाँ पे जरूर आना गाइस। तो फ्रेंड्स शो खत्म हो गया और अभी हम लोग जा रहे हैं म्यूजियम की ओर, जो वहाँ पे उस बिल्डिंग में बहुत मजा आया गाइस। अंदर मैं ज्यादा शूट नहीं कर पाया, बट आप लोगों को ये कहूंगा कि आप लोग यहाँ पे जरूर विजिट कीजिए, पैसा वसूल है 150 रुपए में, लिटरली एकदम पैसा वसूल। आप लोग जब खुद से एक्सपीरियंस करोगे तब आप लोगों को समझेगा। आप लोग अगर छोटे बच्चों के साथ है, 5 से 6 साल की उम्र के हैं वो लोग, तो उनको भी बहुत मजा आएगा। लिटरली 3 से 4 साल के बच्चे, उन्होंने भी बहुत एंजॉय किया और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, बहुत ही अमेजिंग है, यहाँ पे ज़रूर विजिट करना। अभी जा रहे हैं हम लोग म्यूजियम की ओर। तो पीछे वो जगह है जहाँ पे हम लोगों ने शो देखा था और अब हम इस बिल्डिंग के यहाँ पे आ चुके हैं। इसके फर्स्ट फ्लोर पे है म्यूजियम, तो अभी हम लोग वहाँ विजिट करने वाले हैं। इस पे एंट्री फ्री है, कुछ पैसा वगैरह नहीं लगेगा, लेकिन हाँ वो जो 150 वाला शो था जैसा मैंने बताया पैसा वसूल था, पैसा वसूल। और ये जो म्यूजियम है उसमें भी आपको बहुत ही मज़ा आएगा, तो ये वाली जगह भी विजिट ज़रूर करना आफ्टर योर शो। वहाँ से अपने को एंटर करना है। तो अभी हम लोग बिल्डिंग के अंदर एंटर कर चुके हैं और आप लोग देख सकते हो बहुत ही अमेजिंग है। आप लोगों को पूरा टूर देता हूँ, यहाँ से सब लोग ऊपर जा रहे हैं फर्स्ट फ्लोर पे, चलिए हम भी चलते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो को एंड तक देखना ताकि मैं आप लोगों को बजट ब्रेकडाउन पेश कर सकूं। वन मेजर सीवियर अपडेट गाइस, द सीनेस के अंदर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड इनसाइड द म्यूजियम। जब आप लोग फर्स्ट फ्लोर पहुँचते हो तो फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी नहीं कर सकते बिल्कुल भी, तो मुझे ज़रा भी शूट करने नहीं मिला क्योंकि जगह जगह पे कैमरा लगा है, क्यों ऐसे रूल्स तोड़ू। तो इसलिए बेटर है कि आप लोग यहाँ जब आओगे तो खुद ही विजिट करना, बहुत अच्छा खासा म्यूजियम है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी है एक्चुअल में। तो आप लोग जब भी आओगे तो यहाँ पे ज़रूर विजिट करना, ऑलमोस्ट आपका आधा घंटा तो जाएगा, आधे घंटे से एक घंटा। तो बेटर है आप लोग खुद आके विजिट कीजिए क्योंकि फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, तो मैंने शूट ही नहीं किया इसलिए। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया, वीडियो को मैं यही ख़त्म करता हूँ। प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच एवरी वन, लव यू ऑल। सो फ्रेंड्स ये है टोटल खर्चा इस पूरे वन डे ट्रिप का। सो प्लीज़ आपके फैमिली के साथ यहाँ पे ज़रूर विजिट करना, सैटरडे संडे ट्यूजडे वेनसडे थर्सडे फ्राइडे कभी भी आ जाओ, बहुत ही धमाल होता है और बहुत मज़ा आता है। और हाँ मंडे को ये बंद रहता है, बाकी कोई भी दिनों पे आप आ सकते हो। तो आई होप यू एंजॉयड द वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।